हम। इसे इतना इग्नोर, अपने महबूब से इतना इग्नोर होकर क्या मैं जिंदा रह पाऊंगा? मुश्किल है। वो नाश्ता हमारे साथ करेंगी या फिर इश्वत आंटी के साथ? जी कुछ कहा आपने? वो नाश्ता हमारे साथ करेंगी या फिर इश्वत आंटी के साथ? इतनी बेरुखी से कौन बात करता है अपने महबूब से? कल रात जो कुछ हुआ है ना, उसके बाद से बात कर रही हूँ यही गनीमत समझ लो। बस ये थी तुम्हारी मोहब्बत, वो कस्बे, वो यादें, वो वादे। खत मेरी मोहब्बत पे शक ना करो, तुम ही अपने फैसलों से पीछे हटे हो। मैंने तो सोच लिया था कि जैसे भी हालात होंगे सह लूंगी, फिर इस गुलामी की जिंदगी से निजात पाऊंगी। नहीं यार, मैं अपने फैसले से पीछे नहीं हटा, कुछ वक्त मांगा है मैंने थोड़ा सा। ऐसे किसकी कॉल है? आपके बॉस की कॉल है, उठा ले इससे पहले वो नाराज ना हो जाए। जाए जाए। हाँ जाऊंगा, नहीं रुकूंगा मैं, चाह रहा हूं मैं बल्कि, क्या पता रुक जाऊं। मैंने ना ऐसे खुशफहमियां पालना छोड़ दी, जाओ इससे पहले कि वो तुम्हें नौकरी से निकाल दे अगर देर हो गई। सुबह सुबह का वक्त है, कैसी बातें कर रही हो, कबूलियत का टाइम होता है, जा रहा हूं मैं। अलीना, तुमने मुझसे ये बात पहले भी की थी। की तो थी लेकिन आपने मेरी बात को कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। अब देख रहे हैं ना आप कैसे वो अपने मकसद में कामयाब हो रही है। कह तो तुम ठीक रही हो लेकिन ना सालार उससे दूर जाने के बाद भी उससे अलग नहीं हो पा रहा है। और जब से उसने मेरी इतनी खिदमत की है, मुझे डॉक्टर के पास लेके गई है, इनफैक्ट डॉक्टर्स ने भी उसकी बहुत तारीफ की है, इसी वजह से शायद वो अलग नहीं हो पा रहा है उससे। आंटी, जो लालची इंसान होता है ना, वो कोई भी हथकंडा इख्तियार करके वापस ज़रूर आता है। और मैं नहीं चाहती कि सालार की बेवकूफ़ी आपको किसी मुसीबत में डाल दे। आई एम कंसर्न्ड अबाउट। ठीक कह रही हो तुम अलीना, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, मैं मजबूर हूँ। और अगर ये मजबूरी सारा का ही प्लान हो तो अगर वो चाहती हो कि आप इस चार दीवारी में महदूद होके रह जाए तो वो ये सब इसलिए कर रही है ताकि अपने मकसद में कामयाब हो सके। कैसा मकसद अलीना? आंटी आपको कुछ याद क्यों नहीं रहता? उस दिन जब मेरी आपसे बात हुई थी तो मैंने आपको बताया था ना, उसे लगता है कि सालार से दूरी और उसकी जिंदगी में जो भी मुश्किलात हैं वो सिर्फ तब तक के लिए हैं जब तक के आप जिंदा हैं। वो सोचती है कि उसके बाद ये घर, सालार, पैसा सब उसी का ही है। हाँ वाकई तुमने इस बात का जिक्र भी किया था मुझसे। देखो सहन से ही निकल गया मेरे। ये जूस किसने दिया आपको? सारा ने। मेरी माने तो मत पिए इसे, और हो सके तो गेट इट टेस्टेड। लेकिन अलीना ये तो रोज ही मैं जूस पीती हूँ। रोज आपको ये जूस कौन देता है? परवीन देती है ना। सारा को क्या जरूरत है आपको जूस देने की? क्यों लाई वो?
गेट इट टेस्टेड आंटी, मैं दावे से कह सकती हूँ इसमें कुछ निकलेगा। ऐसी थोड़ी तबीयत खराब हो सकती है। अलीना फिर ये तो तुम खुद ही करवा सकती हो। I'm sorry आंटी, मैं करवाऊंगी तो सालार बिगड़ेगा, कुछ टेस्ट में उल्टा सीधा आ गया तो मुझ पर गुस्सा करेगा, बदतमीजी करेगा, और आप जानती हैं कि मुझे अपनी इज्जत कितनी प्यारी है। फिर आ भी नहीं सकूंगी ना ऐसे आपसे मिलने। अच्छा मैं सालार से कहती हूँ, वो टेस्ट करवाता है इसका। प्लीज़ करवाइएगा, आप खुद भी टेस्ट करवाएं और मैं अपनी तसल्ली के लिए सैंपल लेके जाऊंगी साथ। पता तो चले ना कैसे अचानक तबीयत खराब हो गई, वो भी इतनी ज्यादा। परेशान मत हो, आप भी, मैं हूं ना। चले अपना ख्याल रखें, बल्कि मैं आपके लिए ना दूसरा जूस लेके आती हूँ, ठीक है? भाई के पास ही जब भी टाइम लगेगा, जैसे फ्री होता हूँ फिर मैं आता हूँ, ठीक है? किससे बातें कर रहे थे? किससे करनी है? सना ही है भाई। अभी तक कायम है तुम लोगों की मोहब्बत? मोहब्बत तो चीज ही ऐसी है, हमेशा कायम रहती है, और वैसे भी हमारी पुरानी दोस्ती है ना, तो इसी वजह से। इसमें ऐसा क्या है जो सना की मोहब्बत इसकी तरफ से खत्म ही नहीं हो रही? अब मैंने कौन सी कमी की जो सारा का दिल मेरी तरफ नहीं मुड़ा? इसकी जिंदगी में मोहब्बत है, मेरे जिंदगी में क्यों नहीं? क्या हुआ भाई, आप परेशान लग रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस वो एक रिक्वेस्ट थी तुमसे। क्या बात कर रहे हैं आप, मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे? ठीक कह रहे हो, जो कुछ हुआ उसके बाद रिक्वेस्ट करना तो बनता भी नहीं है। नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो कह रहा हूँ कि आप हुक्म कर रहे हैं, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? नहीं यार, तुम्हें खावा का प्रॉब्लम होगी। कैसी बात कर रहे हैं भाई, आप बड़े भाई हैं मेरे, फैमिली है, और फैमिली के लिए ये नहीं देखा जाता कि प्रॉब्लम होगी कि नहीं। इस्लामाबाद से ना कंपनी का डेलीगेशन आया, तुम्हें याद है वो लेदर गुड्स की इन्वेस्टमेंट की बात की थी मैंने? जी 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 बिल्कुल। हाँ तो उसके लिए जो बंदा है वो सफीर। हाँ सफीर। उसको कहाँ ही भेजूँ मैं, तो मीटिंग भी कंडक्ट नहीं कर सकता सही से, किसी रिलायबल इंसान की ज़रूरत है। कौन है ऐसा रिलायबल इंसान आपकी नज़र में जिसको भेजा जा सके? तुम हो ना रिलायबल। क्या भाई मैं चला जाऊँगा, सना को प्रॉब्लम नहीं होगी? नहीं मैं समझा लूँगा उसे, काम भी तो ज़रूरी है ना भाई। बहुत ज़रूरी है काम। कब जाना है? बस आज रात को, मैं तुम्हारी टिकट कंफर्म कर देता हूँ, तुम हो? बिल्कुल ठीक है, मैं फिर भी जाता हूँ, सामान पैक कर लेता हूँ। ठीक है तो भाई। ठीक ये फाइल ले जाओ। सही है, ठीक है भाई। नहीं सारा, मुझे मसाज नहीं करवाना है तुमसे। आंटी सुबह तो आपने ऐसा कुछ? हाँ वो मैंने दवाएं ज़्यादा खा ली थी, तो वो लूटी की वजह से फैसला नहीं कर सकी मैं। लेकिन आंटी आपका मसाज करना तो पड़ेगा, डॉक्टर ने सख्ती से कहा है कि ताकि आप जल्द से जल्द वापस चल सकें, मसाज करना पड़ेगा। सारा अगर इतना ज़रूरी है ना मसाज, तो परवीन को भेजो, वो कर देगी, उसको वैसे भी अच्छा आता है। आंटी मुझे बहुत अच्छे से आता है करना, अबू की भी मालिश मैं करती थी।
सारा तुम क्यों बहस कर रही हो? बिला मुझे इंसिस्ट करी, मुझे नहीं करवाना ना तुमसे। आपकी खिदमत करना मेरा तो हक है ना। कौन सा हक है सारा? वो हक तो तुमने खो दिया है। सालार तुम्हें घर से निकाल चुका है। अगर तुम इस घर में रह रही हो तो मेरी वजह से, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये इन खिदमतों के पीछे पता नहीं तुम्हारा क्या मकसद है। आंटी, मेरा क्या ही मकसद हो सकता है? सारा, जो तुम मेरे लिए जूस लेकर आई थी ना, वो अलीना ने टेस्ट करा लिया। तुम्हें पता है उसमें से कितने सारे मिनरल्स निकले, जिसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया। वो तो सुफियान अगर ना होता तो पता नहीं क्या से क्या हो जाता। नहीं 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 आंटी, वो झूठ बोल रही है। वो जूस तो परवीन लाई थी। सारा, तुम कब तक अपना इल्जाम दूसरों पे लगाती रहोगी, और वो भी उन लोगों पे जो इस घर के मुलाजमीन हैं। बस कर दो। सना, क्या तरीका है यार, खाने से कौन नाराज होता है? नाश्ता कर लो। मैं कहकर आई थी, मुझे भूख नहीं। पता है मुझे, एक घंटे बाद भूख लगेगी तुम्हें और तुम मजीद चिड़चिड़ी हो जाओगे। पे इतना जानते हो तो ये भी पता होगा कब खुश होती हूँ कब उदास। क्यों नहीं पता, मैं तुम्हारी सूरजमुखी हूँ और तुम मेरा सूरज। जहाँ जहाँ जाओगी मुझे ही पाओगी। ज्यादा हीरो बनने की जरूरत है। छाना, आप तेज मान जाओ ना यार, पैकिंग भी करनी है अभी। मैं कोई पैकिंग नहीं कर रही यार। छाना, कभी कभी ना तुम बहुत जिद्दी हो जाती हो। बंदा कर लेता कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा। आज कॉम्प्रोमाइज की नहीं है, बात उसूल की है सुफियान। देखो, मैं मानता हूँ कि मुझे तुम बताना चाहिए था। भाई ने भी ये कहा कि तुम फैसला कर रहे हो। सना क्या खुश होगी इससे, इजाजत देगी तुम? मैंने कहा नहीं, कोई मसला नहीं है। सना मुझसे मोहब्बत करती है, मेरा मान है उस पर, मेरे फैसले का एहतराम करेगी। भाई हैरान हुए कि तुम्हारी मोहब्बत अभी तक कायम है। जी बिल्कुल, पर मुझे क्या पता था कि मेरी मोहब्बत गलत। ज्यादा डायलॉग मारने की जरूरत नहीं। और ऐसा क्यों कहा कि मेरी मोहब्बत गलत थी? तुम्हारी नहीं, मेरी मतलब मोहब्बत है। अंडरस्टैंडिंग की बात करूँ, अंडरस्टैंडिंग तो हमारी अभी है ना यार। इसलिए प्लीज जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर पैकिंग करते हैं। मुझे जाना है, आइंदा में तुम्हें बता कर जाऊंगा, बल्कि तुम्हें कोशिश करूंगा कर? मैं मतलब कि पूछ कर जाऊंगा, इजाजत लेकर, लिखवा कर, स्टैंप करवा कर। कोशिश करूंगा कि अगर मैं जाऊँ ना तो तुम्हें भी साथ ले जाऊँ। हाँ, दिल से नहीं कह रहे तो कोशिश कर रहा हूँ मैं पक्का। क्या बात है आफिया, कुछ परेशान लग रही है। भाई, आपको सुबह वाली बातें याद है ना? हाँ, लेकिन हमने तो बहुत सारी बातें की थी। सब नहीं भाई, वो बातें जो आजान ने सुन ली थी रिश्ते वाली, और वो घर से निकल गया था। हाँ, तो वो तो नॉर्मल था। मैंने कॉल किया था उसे, उसने बताया कि वो ऑफिस में। वही तो भाभी, वहीं से तो कॉल आई है। उसके बॉस कह रहे थे कि एक फाइल के बारे में पूछना है, अजान से बात करा दे, उनका फोन नहीं उठा रहा। मैं तो खुद हैरान हो गई। मैंने उनसे कहा कि वो ऑफिस में है, वो हैरान हो रहे हैं कि वो ऑफिस आया ही नहीं है। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं फोन लगाती हूँ उसको। ये कहाँ चला गया? फोन ही नहीं उठा रहा। मैं देख कर आता हूं उसे, ठीक है? परेशान मत हो, गए ना अर्शद?
दोबारा कॉल करती। पूरा दिन समंदर देखते रहने या कुछ बोलना भी है? ये क्या करने वाली थी तुम? मरने के लिए आई थी। मरने के लिए आई थी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? छोटी छोटी बातों पे आ जाते हैं मरने के लिए। मेरा कोई नहीं है। कोई तो होगा, कोई आसमान से तो नहीं ना टपकी तुम? कोई घर बार, माँ बाप, बहन भाई? एक खाला थी। चलो खाला की। नहीं, उनका एक हफ्ते पहले इंतकाल हो गया। कोई खाला का घर होगा, कोई बच्चे होंगे उनके? उनका एक बेटा है। जबरदस्त, आ जाओ। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, वो नशा करता है। मैं बहुत परेशान थी उसकी वजह से, बस इसीलिए। चलो फिर। कहाँ जाएंगे? मेरे घर और कहाँ पे? नहीं, घर तो नहीं जा सकते। बेटा चलो फिर पुलिस स्टेशन ही आ जाओ। नहीं नहीं, पुलिस के हवाले मत कीजिएगा मुझे, वो बहुत बुरे लोग होते हैं। ठीक है, सड़ो यहाँ पे जाओ। सुने? हाँ। कहाँ जाऊंगी मैं? तो मैं क्या कह रहा हूँ, घर चलने चलो, नहीं जा रही उधर भी, नहीं जा रही इधर, पूरा दिन यहाँ बैठा रहूं क्या तुम्हारे साथ? तो आप मेरे ऊपर इतना गुस्सा क्यों कर रहे? घर चलना है कि नहीं? उठो। क्या हो गया? ये इतने क्यूट से मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं? वो तुमने मुझे ठीक से मनाया नहीं। ये किसने कहा? फुप्पो ने। और उन्होंने कहा जब तक मैं तुम्हें दिल से इजाजत ना दूं तुम नहीं जा सकते। बाबा जी, इजाजत क्या? क्योंकि मेरा मूड नहीं है। तो मूड कैसे बनेगा? ये तो मैं ही बताऊं? नहीं, मुझे पता। मैं तुम्हारे लिए वहां से ढेर सारे गिफ्ट लेकर आऊंगा ना, फिर शायद तुम इजाजत दे। हाँ ठीक है, जाओ तुम। देखा,
गिफ्ट्स की परवाह है तुम, हस्बैंड की नहीं। मुझे तो लगता है तुम मुझे मिस भी नहीं करोगी। हाँ नहीं करूँ। पक्का? 100%। तो फिर आंखों में नमी सी क्यों है? कुछ चला गया है शायद। भाई तुम मेरी ये बात मान लो कि तुम मुझे मिस करने वाली हो, बहुत ज्यादा मिस करने वाली हो। जब पता है तुम बार बार क्यों कह रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं रोऊं? अरे प्लीज रोना नहीं यार, तुम रोते हुए बहुत बुरी लगती हो। नहीं मैं मतलब चॉइस, मैं मतलब ये है कि हंसती रहा करो, हंसते हो तुम बहुत प्यारी लगती हो, हंसती रहो मुस्कुराती रहो। कॉल करूँगा ना मैं? वीडियो कॉल। वीडियो कॉल रोज करोगे? रोज करूँगा। भूलोगे तो नहीं? सांस लेना भूल सकते हो, तुम्हें कॉल करना है। ठीक है सही है, अब अगर मूड ठीक हो गया मेरे बेटे का तो फिर उठ कर मेरी पैकिंग में हेल्प करवा दो। प्लीज हाँ प्लीज, उठो 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 उठो, जल्दी उठो। आपकी दवाइयां बदली है तब से काफी बेहतर हो रहा है। हाँ बेहतर हूँ। ये कौन है? माही। मैंने नाम नहीं पूछा, मैंने ये पूछा है कि ये कौन है। मालूम नहीं। मालूम नहीं तो क्यों ले आए हो इसे यहाँ? क्योंकि इसका खुद का कोई घर नहीं। तुम्हारा क्या रिश्ता है इससे? दर्द का। ठीक तरह से बताते हो या थप्पड़ लगाऊं? अरे ये समंदर से छलांग मारने लगी थी मेरी तरह सुसाइड टेन। क्या मतलब तुम भी? तुम पागल हो क्या जो ये हरकत कर रहे थे? हाँ मैं पागल हो गया था अम्मी, तंग आ गया था इस जिंदगी से और इस उलझन को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाह रहा था बस। बेटा आप बैठो बेटा, शाबाश आ जाओ बैठ, शाबाश आ जाओ। बेटा आप क्यों समंदर में कूद रही? क्योंकि वो मेरा कोई है नहीं, एक खाला थी वो, उनका इंतकाल हो गया। का बेटा नशा करता था, मुझे परेशान करता था बस इसीलिए। पागल हो क्या? तुम्हारे ऐसा करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? अजीब बातें कर रही हो। अंकल जो इंसान तनाव होता है वो जल्दी गिव अप कर जाता है। नहीं, कमजोर इंसान जल्दी गिव अप कर जाता है, जिस तरह वो निकम्मा। बेटा आज से तुम हमारे साथ रहो। मेरी दो बेटियां हैं, उनकी शादी हो गई, तो आज से तुम हमारी बेटी। और आफिया वो अपने बेटे को समझाओ कि वो रिश्ता करवाने वाली नजमा जो है उसके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना? जी भाई। अच्छा।
सही कहते हैं वैसे, मोहब्बत को बढ़ाने के लिए ना दूरियां जरूरी होती हैं। अगर ज्यादा दिन लग जाए तो मुझे पप्पू को बुला लेना। ये सही है भाई, बकरा भी कटा नहीं और आप लोग पहले हिस्सा मांगने आ गए। अगर नहीं बुलाया तो जानते हो ना मुझे। नहीं बिल्कुल, मैं जानता हूँ मैं बुलाऊंगा आपको। आप प्लीज ये उंगली नहीं दिखाएगा ना, आपको पता मुझे डर लगता है। याद आया एक और चीज है। क्या यार, एक और बैग निकला है सर, तुम्हें ये भी ले जाना हो। कौन तो भारी है। अरे नहीं नहीं ये उधर रख दो ऊपर अलमारी में, इसकी जरूरत नहीं अभी। मगर इसमें है क्या, भारी लग रहा है। इसमें मेरी एक्स गर्लफ्रेंड के लेटर है। ओह एक्स गर्लफ्रेंड्स, मतलब मेरे अलावा भी पागल थी। अरे पागल, बाजू काट लिए, खून से कत्ल गिर रही है मुझे। क्या आप बात कर रही हो तुम बेचारी। वैसे मैं तो तुम्हें काफी शरीफ लड़का समझ रही थी। हाँ तो क्या शरीफ लड़के गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते। होती है गर्लफ्रेंड्स, मगर उसी से वो निकाह करते, शादी करते और अपना हम सफर बनाते। इसलिए तो मैंने तुमसे शादी कर ली, तुम्हें अपना हम सफर बना ली। अब मेरी निकाह वलीमा बारात सब तुम ही हो। अच्छा टॉपिक चेंज मत करो, बताओ इसमें क्या है। तुमसे ताल्लुक नहीं है। जिस तरह तुम छुपा रहे हो मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है, बताओ क्या है। एक टाइम था जब मैं कहानियां लिखा करता था, तो इसमें वो सब कहानियां लिखी। तुम कहानियां लिखते थे, राइटर थे। हाँ तो इस फील्ड में क्यों नहीं गए। घर के हालात ठीक नहीं थे, फिर कोई कहानी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। एक दफा मेरे कहानी चोरी करके उन्होंने ड्रामा बना लिया। मैंने जब एहतजाज किया तो कहते हैं कोई सबूत लाओ। तो दे देते सबूत। कॉलेज में पढ़ता था मैं, कौन सुनता है कॉलेज की लड़की की। दूसरा जब मैंने भाई से बात की तो उन्होंने कहा कि राइटर की कोई इज्जत नहीं होगी, लोग पूछेंगे और क्या काम करते हो इसके अलावा, तो फायदा नहीं है, तुम मेरे साथ आगे लग जाओ। तो तब से फिर मैं भाई के साथ ही बिजनेस करूँ। अच्छा ठीक है, मगर मुझे प्लीज पढ़ने दो। आई प्रॉमिस ऐसे इसी बैग में रख दूंगी पढ़ के। हाँ हाँ वो पढ़ लेना, लेकिन अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ रेडी होने के लिए। उसके बाद मुझे जाना है सलार भाई से फाइल साइन करवाने के लिए, तो तब तक प्लीज मेरे कपड़े पैक कर देना। थैंक यू। इतने अजीब से रिश्ते दिखाए ना इस नजमा ने हमारे आजान के लिए, उसे तो एक लड़की भी पसंद नहीं आई, ये देखिए जरा। अरे भाई जब ढंग के रिश्ते है ही नहीं तो मुझे क्यों दिखा रही हो। ये आफिया ने पसंद किए ये दो तीन तस्वीरें देख लीजिए। अरे ये क्या हो गया है आफिया को, हैं? ये पसंद है उसकी। भाई मैं क्या करूं बताएं आप, नजमा ने मेरी हर उम्मीद खत्म कर दी है। नजमा के अलावा भी दुनिया में और लोग हैं रिश्ता करवाने वाले, हैं? नजमा आखिरी नहीं है। और फिर जमाना बदल गया है, दो दो तलाकी याफ्ता लड़कियां और दो दो मंगनियां जिनकी टूटी हैं वो लड़कियां, उनके भी रिश्ते हो रहे हैं। तो फिर ऐसा हमारे आजान में क्या है कि उसका रिश्ता नहीं हो पाएगा। और ये बदलो उसको नजमा को, उसने मायूसी फैला दी है तुम लोगों में। और अगर आजान का रिश्ता इस शहर में नहीं होगा ना, तो मैं जाकर दूसरे शहर से लड़की ले आऊंगा। पता नहीं क्या हो गया है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आजान की मंगनी नहीं टूटी है बल्कि उसके गाड़ी से 1 किलो हीरोइन निकल आई है। अरे तौबा तौबा, कैसी बातें करते हैं आप, सर सोच समझ के तो बोला करें। अरे अल्लाह जी सब जानते हैं, वो लफ्जों को नहीं दिलों को और नियतों को जानते हैं, और उन्हें पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और तुम लोगों ने मेरी बेटी की शादी को टैबो बना के रख दिया है। भाभी, भाई की मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन आसान की बदनामी को तो जैसे पर लग गए हो। नजमा का कहना है कि कोई रिश्ता कबूल करने को तैयार ही नहीं है, जहां जाओ रिश्ता टूटने की कहानी नमक मिर्च के साथ पहले से वहां मौजूद होती। सब यही कहते हैं कि जरूर लड़के में ही कोई फॉल्ट होगा, वरना पहले मंगेतर ने क्यों छोड़ा, दूसरी जगह मंगनी होने लगी तो लड़की वालों ने मना क्यों कर दिया। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं। अब आजान बैठो ना।
आसान। अरे आप यहाँ? सफियान अपना बहुत ख्याल रखना, पहली बार इस तरह दूसरे शहर जा रहे हो। देखो मैं पहली दफा इस तरह तुमसे दूर जा रहा हूँ, उससे शहर में पहले जा चुका हूँ। पहले की बात और थी, तब मैं तुम्हारी बीवी नहीं थी, अब तुम्हारी बीवी हूँ। बस जल्दी से जाओ और जल्दी से काम ख़त्म करके आ जाओ। एज यू से मिस, आई मीन मिसेस सुफियान, मैं यूं गया और 10-15 दिन में वापस आया इंशाल्लाह। और हाँ लड़की, मेरी एक बात याद रखना, मेरे जाने के बाद मेरी माँ का ख्याल रखना। मेरी पप्पो भी रखूंगी ख्याल। हाँ ये तो मैं भूल गया। और हाँ अगर मेरे जाने के बाद उनके अंदर थोड़ी सी भी सांस जागे ना तो मुझे नहीं बताना है, तुम लोग आपस का मामला सॉर्ट कर लेना, सही है? बता दूंगी तुम्हें, समझदार हो। चले हो गई बात? हाँ। कमाल हो गया बेगम साहिबा, सुफियान साहब को तो घर निकाला मिल गया। अभी अभी घर से निकले, बस बेस्ट है, फिर तुम अपने काम पे लग जाओ, अभी मामला गर्म है, दोनों को दूर रखेंगे तो आसानी होगी। कौन सा काम बेगम साहिबा? पागल औरत सुल्ताना और उसके घर वालों को वहां से निकालना है। मैं कुछ भी करती हूँ, सुल्ताना आके सब कुछ संभाल लेती, मैं नहीं चाहती कि मेरे और सालार के दरमियान कोई भी आए। लेकिन बेगम साहिबा वो क्यों आप दोनों के बीच में रुकावट डालेंगी? वो तो खुद चाहती हैं कि आपकी शादी सलार साहब से हो जाए। हाँ वो शादी तो करवाना चाहती थी, लेकिन अगर वो औरत एक्टिव रही तो मेरे कदम तो उस घर में कभी जमने नहीं देगी। और इसके लिए यही जरूरी है कि वो जहाँ है वहीं रहें, अपने कमरे में बंद रहें और उनको बचाने वाला कोई ना हो। अच्छा अच्छा, इसीलिए आप चाहती हैं कि इनकी आपस में लगी रहे। हाँ तो समझ गई हो ना तुम मैं क्या चाहती हूँ, तो लग जाओ काम पे, टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो? Useless. भाई क्या कर रहे हो? सुफियान का फोन आया? जी जी खैरियत से पहुंच गया। और आपको पता है क्या कह रहा है? तुम तो बिल्कुल याद नहीं आ रही। हाँ अम्मी को बहुत याद कर रहा हूँ, देख ले कितना बेवफा हो गया। किसका फोन आ रहा है? वो मेरी एक दोस्त की कॉल है। अच्छा अच्छा चलो तुम बात करो। जी हेलो। हाँ तुम मुझे सीक्रेट बताने वाली थी, अब बताओ। कल मैं जरा उदास थी, सुफियान जा रहा था ना। हेलो। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, मैं ठीक हूँ। सना का नंबर बिजी जा रहा था, मैं कॉल कर रहा था उसे। तो बेटा वो उसकी किसी दोस्त का फोन आया था, इसीलिए तो मैं बिजी मिल रहा हुआ। अब तुम कहो तो मैं बात करा दूं। नहीं नहीं आप रहने दे, मुझे बताएं चाची जान की तबीयत कैसी है? हाँ अल्लाह का शुक्र है अब तो बेहतर है पहले से। अच्छा तो इसलिए ब्लू टिक के बाद भी आंसर नहीं दिया तुमने। सॉरी यार सुफियान के बारे में मैं ऐसी हूँ, बड़ी से बड़ी चीज बर्दाश्त कर लेती हूँ, कभी कभी छोटी सी बातों पे अपसेट हो जाती हूँ। अरे रहने दो सना, तुम तो पहले ही इतनी उदास हो, मैं कुछ कहूँगी तो खामखा दिल थाम के बैठ जाओगी। अरे नहीं नहीं बताओ ना, अब सही हो, क्या कह रही थी? देखो सना अगर तुम इतना इसरार कर रही हो तो हाँ तो सच बात करनी चाहिए,
लेकिन मुझे दुख हुआ है, यकीन नहीं आ रहा कि सारा ऐसा कर सकती है। अब तो सुफियान किसी भी सूरत इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं होगा। इन लोगों ने हमें क्या पागल समझा हुआ है? अरे तो तुम्हारे लिए यही ठीक है। देखो इस तरह तुम लोगों की इस नौकरी से जान भी छूट जाएगी, इस जिंदगी से, इस नौकरी से। हाँ, और वैसे भी सारा ने जो तुम दोनों को अलग करने की चाल चली है, तुम उसे उल्टा कर दो, तुम वहां शिफ्ट हो जा। सिंपल। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सारा ऐसी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो यकीन करने की कोशिश करो सना, समझो इस बात को। सारा तुमसे जलती है, उसका तो बस नहीं चलता कि वो अपने सारे बदले, सारी इनसिक्योरिटीज तुम दोनों से निकाले। तुम्हें नजर नहीं आता? सारा ना चुड़ैल है, चुड़ैल। ऐसा जहर घोलती है। और वैसे भी ये सब बातें सालार ने मुझसे खुद डिस्कस की थी, वरना मुझे कोई जादू थोड़ी आता जो ये सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। तुम ठीक कह रही हो, मुझे भी अब यही लगने लगा है कि सारा मुझसे चलती है। ये तुम किससे इस तरह की बातें कर रही हो? अपने भाई को देखो जरा, सोचते हैं ना समझते, उल्टे सीधे फैसले ले लेते हैं। अब भला बताओ, ना जान ना पहचान, उस लड़की को घर में रख लिया। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी, ना उसे जानते हैं कि कौन है, कहां से आई है, बेटी ही बना लिया उसे। अपनी बेटी ने क्या कम दुख दिए जो एक और दुख घर में रख लिया है। अब ये तो भाई को सोचना चाहिए ना, कुछ भी तो नहीं पता हमें उसके बारे में। मुझे तो लगता है किसी गैंग से कोई ताल्लुक ना हो इसका, हो सकता है किसी ने उसे भेजा हो। आप दोनों खवातीन जो हैं, वो गलत सोच रही हैं। आप तो ऐसे कह रहे जैसे बरसों से जानते हो उसको। वो बहुत मजबूर लड़की है। हाँ, मैं उस लड़की को नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे चेहरे पढ़ने आते हैं। मैं आपकी ये बात नहीं मानती। अरे मेरी मानो या ना मानो, लेकिन उस लड़की का एहसान तो मानो। अगर उस लड़की को बचाते हुए आजान का दिमाग डाइवर्ट नहीं होता तो आजान इस वक्त कहाँ होता? ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है तू मरहम। करे हर पल हसीन, सिर्फ ग्रीन।